पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज ज्येष्ठ माह में वैश्य समाज मुरादाबाद द्वारा मधुबनी पर शरबत वितरण करने का कार्यक्रम किया गया। ज्येष्ठ माह में शरबत वितरण करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमी प्रभारी सुनीता गुप्ता, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता और महानगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला संगठन की जिलाध्यक्ष सोनिया गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव गुप्ता, महिला संगठन की महामंत्री श्रेया गुप्ता, भावना गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, शैफाली रस्तोगी, दीपा, मिलन गुप्ता, रुचि अग्रवाल, शर्मिला, अर्पिता, छवि, कृष्णा राज, आशुतोष गुप्ता के साथ और भी सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। मैं वैश्य समाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, आज हमने जो है वैश्य समाज की तरफ से, ज़िले की तरफ से, महानगर की ओर से और सारे पदाधिकारी जो ज़िले पे हैं, महानगर पे हैं और हमारे जितने भी मेंबर हैं यहाँ सब आए हुए हैं और आज ज्येष्ठ माह का मंगलवार है। इस मंथ में शरबत बांटना बड़ा शुभ माना जाता है, तो हम प्रतिवर्ष ये कार्य करते हैं वैश्य समाज की तरफ से कि हम जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा शरबत पिलाने का कार्य हमने कर रखा है। हमारे सभी मेंबर, सभी कार्यकर्ता, यहाँ क्या नाम है, हमारी जिला अध्यक्ष सोनिया गुप्ता, दीपा गुप्ता और हमारे ज़िले के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र प्रकाश, अंशु भैया और राजीव भैया जी, महामंत्री कपिल गुप्ता जिले महानगर पे अध्यक्ष हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। ये मिलन जी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ये दीपा जी मंत्री हैं और शेफाली जी, यानी कि सारे कार्यकर्ता इतने उससे उत्साह से आए यहाँ और अब तक हमने कम से कम 5,000 लोगों को यहाँ हम शरबत पिला चुके हैं। हमने गुलाब जल की बोतलें भी बांटी हैं और जो रामदेव जी का रुआबजा होता है गुलाब वाला, वो भी हमने वितरण किया है और सभी को कार्य पिलाने का, हम गाड़ियों में चढ़ चढ़ के, बसों में चढ़ चढ़ के इस सबको रोक रोक के हम ये कार्य कर रहे हैं और हम भगवान से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हम इसी तरह से समाज सेवा करते रहें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।